नाजिल लाइव आकर एक बार फिर से झूठ बोलती हुई आई है नजर, जहां आशा के चलते हुआ है खुलासा, मुनव्वर है खतरे में, कैसे चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं फीफा फूज। बिग बॉस के घर में हम देख रहे हैं कि आशा कई सारी बातें कहती हुई नजर आ रही है, और टास्क के दौरान भी वो कई सारी बातें कहती हुई नजर आई। अभिषेक के सामने, हर किसी के सामने वो बोलती हुई नजर आ रही है कि वो आने से पहले नाजिला से उनकी फोन पर बात हुई और फिर वो मिली भी, और उसके बाद मुनव्वर और मेरे बारे में उसको पता भी था, चैटिंग्स भी शेयर हुई थी, तो ये सारी चीजें हुई। अब उसके बाद जब नाजिला लाइव आकर बहुत सारी चीजें बोलती हुई नजर आई कि मुनव्वर और उनका ब्रेकअप हो गया था और वो आयशा को जानती भी नहीं थी, तो ऐसे में जब वो आयशा को जानती ही नहीं थी तो फिर मतलब आयशा से वो मिली भी है, चैटिंग भी शेयर हुई है, और फिर मुनव्वर और आयशा के बारे में नाजिला को कैसे पता चला, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर खुलकर सामने आई है। और इससे साफ पता चल रहा है कि नाजिला भी झूठ बोल रही है। अब जब नाजिला झूठ बोल रही है तो क्यों झूठ बोल रही है, ये तो भाई नाजिला ही बता सकती है। ऐसे में यहाँ पर भाई दो लोग ने एक की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से प्यार करते हो ना, ठीक है, खत्म भी हो जाती है चीजें ना, तो आप किसी को बदनाम नहीं करोगे, मतलब आप ऐसे बदनाम नहीं करोगे कि ठीक है अभी उससे मेरा खत्म हो चुका है तो उसको बर्बाद कर दी। ये सारी चीजें हो रही है, तो यहाँ पर ना तो नाजिला को प्यार था ना ही आयशा को प्यार है, दोनों ही जो ये बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीजें गलत है। अब मुनव्वर को वैसे भी किसी और के साथ ही पसंद किया जाता था, लेकिन मुनव्वर को नाजिला पसंद थी तो फैंस ने नाजिला को प्यार दिया, मुनव्वर को आयशा पसंद आई तो आयशा को प्यार दिया, लेकिन ये दोनों ने ही जब मुनव्वर को धोखा दिया है तो ऐसे में तो यहाँ पर मुनव्वर की जनता को सिर्फ मुनव्वर का सपोर्ट करना चाहिए। फिलहाल क्या कहना है इस पर आपको, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिग बॉस से रिलेटेड अपडेट्स को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।